अबी अहमद ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। पूर्व सेना अधिकारी को उम्मीद है कि सुधारक के रूप में प्रतिष्ठा अशांति को दबाने में मदद करेगी। इथियोपिया के नए प्रधानमंत्री अबी अहमद ने देश में हाल के राजनीतिक अशांति के कारण लोगों से माफी मांगी और दोनों ने सोमवार को अपने शपथ ग्रहण समारोह में राजनीतिक विपक्ष लंबे समय तक प्रतिद्वंदी इरिट्रिया तक पहुंच गया। अबी का इथियोपिया संसद द्वारा चुने गए हेलमिरियाम देसलेगंज के बाद, जिसने फरवरी के मध्य में इस्तीफा दे दिया, व्यापक विरोध के परिणाम स्वरूप कई सौ लोगों की जान ले ली, मुख्यतः रोमवा और अम्हारा क्षेत्रों में। इथियोपियन सांसदों को अपने उद्घाटन संबोधन में अबी ने कहा, यह एक ऐतिहासिक क्षण है, यह हमारे लिए हमारी पिछली गलतियों से सीखना और अतीत में किए गए सभी गलतियों के बारे में जानने का समय है। हम समझते हैं कि बहुत सी समस्याएं हैं जिन्हें महान जरूरी के साथ हल करने की आवश्यकता है। 1991 में इथियोपिया पीपल्स रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट की सत्ता में आने के बाद से अभी इथियोपिया के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले ओरोमो राजनीतिज्ञ हैं। ओरोमिया के प्रमुख शहरों में लोग बुधवार को सड़कों पर चले गए और जश्न मनाए जाते थे। उम्मीद है कि वे 2015 तक देर से व्यापक राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रेस और विपक्ष के आंकड़ों को जारी करने के लिए विरोध प्रदर्शनों का अंत लाने में सक्षम होंगे। इथियोपिया के 100 मिलियन लोगों का सबसे बड़ा जातीय समूह और ओरोमो लोगों ने लंबे समय तक राजनीतिक और आर्थिक रूप से दोनों तरह से हाशिए पर लगा दिया है। सेना में एक पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल और इथियोपिया के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रमुख अबी 42 एक प्रभावी वक्ता और सुधारक के रूप में प्रतिष्ठा रखते हैं। 1991 में पूर्व सैन्य कट्टर डर के बाद से अभी इथियोपिया के तीसरे प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि उन्होंने सोमवार को अपने भाषण में आपातकालीन डिक्री का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन अबी ने देश के विपक्ष के नेताओं से संपर्क किया, जिनमें से कई ने हाइले मारिम के समय में जेल रखा। अबी ने कहा, हम आपको दुश्मन नहीं देख पाएंगे, लेकिन आपको भाइयों के रूप में देख रहे होंगे। ओरोमोस के बीच असंतोष 2015 के अंत में शुरू हुआ। एक सरकारी विकास योजना के आधार पर उन्होंने अन्यायपूर्ण करार दिया और जल्द ही देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी में फैल गया अम्हारा। विरोध प्रदर्शनों की वजह से सैकड़ों मौतें हुई और हजारों गिरफ्तारियां हुई और केवल इथियोपिया को अक्टूबर 2016 में 10 महीने के लिए आपातकालीन नियम के तहत रखा गया था। विरोधियों में चोट या जेल में आने वाले लोगों का जिक्र करते हुए अबी ने कहा, मैं अपने दिल के नीचे से माफी मांगता हूं। उन्होंने इथियोपिया के आग प्रतिद्वंदी इरिट्रिया को एक जैतून शाखा भी बढ़ाया। एक बार प्रांत जो 1993 में स्वतंत्रता घोषित करता था, 1998 में उन देशों के बीच एक 2 साल की युद्ध शुरू हो गया जो उनकी साझा सीमा की सीमा पर थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। विवाद अनसुलझे रहता है और इथियोपिया और इरिट्रिया सरकार विरोधी समूहों के समर्थन के एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। दोनों देशों के आम भले के लिए, न केवल हमारे लाभ के लिए, बल्कि दो देशों के लिए जो रक्त से बंधे हैं। हम चर्चा के साथ अपने मतभेदों को हल करने के लिए तैयार हैं, अबी ने कहा। हम इरिट्रियन सरकार को उसी भावना को दिखाने के लिए आमंत्रित करते हैं। अबी की पदोन्नति के कई महीनों बाद विरोध प्रदर्शन किए गए, जो कि सैकड़ों मरे हुए और 2018 के शुरुआती प्रधानमंत्री हेपिलेमियाम के आश्चर्यजनक निर्णय छोड़कर प्रमुख राजनेताओं, पत्रकारों और अन्य लोगों को जेल से राजनीतिक स्थान खाली करने के लिए जारी किए गए, लेकिन तनाव जारी रहे और बाद में हेलमिरियाम ने इस्तीफा देने की अपनी इच्छा की घोषणा की और आपातकाल की एक नई स्थिति, कम से कम 2 साल में दूसरा
अफ्रीका की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक में लगाया गया था इससे पहले इस हफ्ते। कई हाल ही में मुक्त राजनेताओं और पत्रकारों को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था और अधिकारियों के पूर्व ज्ञान के बिना एकत्र करने का आरोप लगाया गया था। हाइले मारीम के इस्तीफे के बाद घोषित एक आपातकाल की स्थिति के तहत 1,100 अधिक लोगों को बिना परीक्षण के आयोजन में रखा जा रहा है। वे उन असंतुष्टों को शामिल करते हैं जिन्हें हाइले मरियम द्वारा आदेशित एक बड़े पैमाने पर कैदी अमानती में कुछ महीने पहले ही मुक्त किया गया था। पिछली बार हेलिमियम ने देश से चल रहे सुधारों को समर्थन देने और शांति विरोधी गतिविधियों से बचना और देश में चल रहे लोकतंत्रीकरण के लिए अपना हिस्सा योगदान करने का आग्रह किया, राज्य की फेना ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेट ने बताया।